सत श्री अकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। तुसी वेख रहे हो पंजाबी खबरां। खबरां दी शुरुआत तो पहला एक नजर अज दीआं मुख सुर्खियां ते। शाहकोट च वोटिंग दौरान होए हंगामे का भखिया मामला, कांग्रेसी विधायक लाडी शेरोवालिया खिलाफ FIR दर्ज। मणिपुर विच फेर भड़की हिंसा, अतवादियों नाल मुकाबले विच एक कमांडो होया शहीद। पाकिस्तान छवानिया दियां हदां पार धी नाल छेड़छाड़ दा विरोध करन ते हिंदू पिता दा वड्डिया सिर। जलंधर लोक सभा जिमनी चोण के मद्देनजर 10 मई को शाहकोट विच वोटिंग दौरान हुए हंगामे को लेकर कांग्रेसी विधायक हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने नाल 12 होर लोगों से भी शाहकोट पुलिस ने मामला दर्ज किया। दसनयोग है कि जो 10 मई को वोटा पै रही सन तो शाहकोट विच कांग्रेसी विधायक लाडी शेरोवालिया ने दोष लाया कि बाबा बकाला तो आम आदमी पार्टी के विधायक दलवीर सिंह टोंग जलंधर में घूम रहे हैं। चोन कमीशन के नियमों मुताबिक वोटिंग वाले दिन बाहरी जिले का आदमी जलंधर में नहीं आ सकता। इस तो बाद टोंग की गड्डी नूं कांग्रेसी वर्करां वल्लों घेरा पा लिया गया। मौके पर पुजी पुलिस हालात देख के टोंग नूं अपने नाल थाने विच लै गई। इस तो बाद पुलिस विधायक टोंग नूं जमानत ते रिहा कर दिया गया। हुण टोंग का काफिला रोकण के दोष विच इस मामले विच कांग्रेसी विधायक लाडी शेरोवालिया ते होरां खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मणिपुर विच एक बार फिर वड्डी घटना सामने आई जदों शक्की अतवादियों के घात लगा के किए गए हमले विच सूबा पुलिस का एक कमांडो शहीद हो गया ते 5 होर जख्मी हो गए। यह घटना बिश्नुपुर जिले के त्रोंग लोबी विच वापरी। मृतक जवान की पछाण चितिन सिंह वजो हुई है। सारे जख्मियों का इलाज चल रहा है। पुलिस को सूचना मिली से कि कामवई की सरहद नाल लगते चूड़ा चांदपुर जिले के मोलांगंट पिंड हिंसा की घटना वापरी है और इतने सवेरे करीब 8 बजे कुकी और मेती भाईचारे विचाले झड़प हो गई। कई घर अग लगा दी गई। जदों सुरक्षा फोर्सा के जवान इतने पहुंचे तो अतवादियों ने सुरक्षा फोर्सा से गोलीबारी भी शुरू कर दी। इस दौरान तौरी बंग विच शक्की अतवादियों ने 2 लोगों को समय अगवा कर लिया। जदों वह अपने नुकसाने गए घर खाण पीन का समान इकट्ठा कर गए सन। उन्होंने भाल लई तलाशी मुहिम शुरू की गई है। दस दई कि मणिपुर विच बहुगिनती मेती भाईचारे को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंग के विरोध विच आदिवासियों वालों प्रदर्शन किया गया। 3 मई को मणिपुर के 10 पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकता मार्च आयोजित किए जाने तो बाद हिंसक झड़पां शुरू हो गई ने। मुस्लिम नौजवानों के समूह वालों संगर के शाहदादपुर विखे एक 50 साल हिंदू व्यक्ति अमलक भील का सिर वढ़ दिता गया। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि अपनी बेटी रेशमा भील नाल छेड़छाड़ का विरोध करन ते उसका यह हशर किया गया। पीड़ित रिश्तेदार ने दसिया कि पीड़िता ने पाकिस्तान विच हिंदू लड़कियों के अगवा और जबरी धर्म परिवर्तन का विरोध प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तानी हिंदू संगठन पाकिस्तान दरावर इतिहाद के विच अपनी एक जानकार की मदद नाल उक्त नौजवानों खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाने की धमकी दी सी। एक घटना मंगलवार को वापरी जदों अमलख ने मुस्लिम नौजवानों पर एतराज किया जो उसकी धी नाल छेड़छाड़ कर रहे सन। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है पर अज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई। पुलिस अनुसार पीड़ित दे लड़के नौजवानों की पहचान नहीं कर सकी। फिरोजपुर मोगा रोड से पाइनियर कलोनी के एक घर में भयानक अग लग गई। परिवार के मैंबर अपने कमरों में सुते पे सन। गुआंढियों ने घर के बाहर अग दी लपटा वेखिया तो रोला पै गया। गुआंढियों ने जिमें तिवें परिवार को कमरे चो बाहर कढ़िया पर अग लगन कारण घर का सारा समान सड़ के सुआह हो गया जिस कारण लखां रुपए का नुकसान हो गया। उक्त पीड़ित परिवार ने दसिया कि घर में कोई समान नहीं बचा। उ परिवार वाल ने फायर ब्रिगेड से भी लेट होने के दोष लाए ने। उन्होंने कहा कि जेकर फायर ब्रिगेड जल्दी आ जाती तो शायद साडा नुकसान होने तो बच जाता।
बिजली का सर्कट शार्ट होने के कारण ड्राइंग रूम च लकड़ ज्यादा लगी सी, सर्कट शार्ट होने कारण अग लग गई। साढ़े को साढ़े चार बजे इंफॉर्मेशन आई, उदों ही आ गए जी। पहले एक्चुअली इन्हों नहीं ना पता लगा कि गेट बंद ही सुते पे सके, जो इन्हों एजेंसी वाले ने ठाया के भी इधर अग लग गई है, ये मिनटों मिनट ही उठ के नुकसान ड्राइंग रूम लगी सी, कि दूजे रूम सुते पे ही, तो परमात्मा ने सोली इन्हों की जो पता लग गया। नुकसान 40-50 लाख का दस दें जी। अमृतसर विच होए धमाकियां नूं लैके वीरसा सिंह वलटोआ ने पंजाब पुलिस से निशाने साधदे होए कहा कि पंजाब पुलिस दोषियों नूं फड़न विच नाकाम रही है। पहले धमाकियां नूं पुलिस ने गंभीरता नाल नहीं लिया, दूसरे धमाके तो बाद डीजीपी ने कहा कि घट तीव्रता वाला धमाका है। लगातार 3 धमाके हो गए पर पुलिस हाथ ते हाथ धर के बैठी रही। संजीदगी का सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, पर जे श्रोमणी कमेटी के वर्कर मुस्तैदी नाल ड्यूटी ना निभा रहे होंगे तो पुलिस के पखे कले उन्होंने कुछ भी पले नहीं पैंदा। 6 तरीक तो धमाके शुरू होए पर पुलिस का सारा जोर सिर्फ जलंधर उपचोन विच लग्या रहा। अज डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा करते हैं कि 5 दोषी गिरफ्तार किए गए, 1 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, पर अनेक सवालों के जवाब अजे बकाया ने। सब तो बड़ी गल है कि जो पिछले दिन ही लगातार श्री अमृतसर साहब की धरती से जो घटनावां वापरियां ने और श्री दरबार साहब के इर्द गिर्द लगातार 6 तरीक तो लैके 11 मई तक 3 धमाके होए ने, और हैरानी इस गल की है कि पहले दिन 6 मई नूं पंजाब पुलिस पंजाब दे लोकां नूं जां सिख जगत नूं ये ब्रीफ करते हैं कि ये एक चिमनी का धमाका आ जिहड़ी हैरीटेज स्ट्रीट दे उत्ते सी। लोगों ने भी यही होया कि शायद इत्थे ते कदे कोई दूसरी गल सोची नहीं जा सकती कि चिमनी का ही होगा। जदों दूजी वारा हुंदा आ लगातार धमाका तो उस तो हट के थोड़ी थां ते हुंदा आ, फिर उही पुलिस कहिंदी है कि ये धमाका आ पर घट तीव्रता वाला है, और ये IED यूज किया गया, IED की वरतों की गई है। साडा ये सवाल है कि जो पहला धमाका होया सी ते पुलिस ने किहड़े तत्थां दे आधार ते कहता कि ये चिमनी दे विचों धमाका होया, क्योंकि जिहड़ा दूजा धमाका होया आ ते पहला धमाका होया सेम बरूद है, सेम मसाला आ, तो जे उहदे तत्थ घोखोगे जां उहनूं फोरेंसिक तौर पर चैक करोगे तो सारा मटीरियल तो उही सीगा। पिछले कुछ दिनों तो दरबार साहब के रस्ते विच होए 3 वार बंब धमाकियां विच पुलिस वालों आखिरकार दोषी काबू कर ले गए ने। बंब धमाके विच फड़े गए दोषियों की पछाण हो चुकी है। इस मौके हरजीत सिंह ते धर्मिंदर आपस विच रिश्तेदार ने। हरजीत सिंह धर्मिंदर दा साला है, और इस मौके इन्हां दे परिवारिक मैंबरां ने मीडिया नाल गलबात करदे होए कहा कि साडे बच्चे बेकसूर ने, इन्हां ने कोई गुनाह नहीं किया, साडे बच्चों का कोई कसूर नहीं, वह बेकसूर ने, वह तो किन्ने दिन हो रहे घरों घरों बाहर नहीं निकलते, अरे अते शराब पी के घर ही सुते रहते हैं। उन्होंने कहा कि धर्मिंदर ई रिक्शा चलाउन दा काम करता है, उसकी 2 छोटियां कुड़ियां ने। उत्थे ही हरजीत सिंह की माता ने दस्या कि हरजीत सिंह की पत्नी की मौत तो बाद उसका सारा दिन शराब पी के लंघता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन कोलों अपने बच्चों की रिहाई की मांग की है। सर सवेरे आए पुलिस वाले तो मैं सारे सुते हैं, बूआ भी नहीं खोलिया, अजे अं सुते हैं, अं लेट ही उठते सुते हैं, तो आके उन्होंने बूआ खड़काया तो मैं खोलिया, मैं कह दी पता नहीं कौन, मैं खरे हो गड्डी लैन आ, तो मैं गड्डी लैन आया वा मुंडा, कोई मुंडा गड्डी किराया तो आता वा, तो मैं खरे वो आया, वो आवाजा डेन दिया, मुड़ के उन्हें आपे ही बूआ खोलिया, खोल के बूआ तो अंदर वड़ गए, तो मैं कह दी कौन है, मैं कह दी अवे, मैं गेट खड़काई जाते इदा, मैं कह दो अंदर वड़ गए, अंदर सीधा कोठे से चढ़ गए, कोठे तो चढ़ गया, तो मुड़ के कोठे तो उतर के लै आए उन्होंने प्रौहने ठा के, प्रौहने ठा के लै आए जवाई मेरे न, तो मुड़ के उन्होंने लै गए, उन्होंने लै गए, तो मेरा बेटा शराबी होया, शराब पी के घर की मर गई, तो शराब पी के उन्होंने होया घर की मरी न थोड़ा चिर,
वो करके शराब शरूब पीता, इन गली में भी सारी पता भी वह शराब पीता वा, वह शराब तो पी के डिगा रहा कभी इतने आना तो सारे महल में पता भी वह शराब पी के दिन ही उठता तो पी लेंदा, उठता तो पी लेंदा, उत्थे डिग पैंदा जिथे पी लेंदा वा, वह रोज़ शराब पीता तो पी के तो मुड़के दिन उन्होंने उठाया आंदा भी की होया, इन्नी गल मेरे बच्चे ने कही भी की गल हुई आ, तो आंदा कौन आए कौन आए, तो बस एहो गल हुई तो आंदा तू की आंदा है कि होया की आनू होया कि मुंडा आंदा, वो बस मुड़ के वह भी मंग रहे मुंडा चले गए तो मुंडे नू भी लै गए, मेरा मुंडा बिल्कुल नजायज है, मेरा मुंडा कुछ नहीं, मेरे बच्चे का कोई हाथ नहीं है इन्हें मगर। अगरतला के पछमी त्रिपुरा जिले में कॉलेज एक विद्यार्थी नाल चलती गड्डी विच कथित तौर पर समूहिक जबर जनाह किया गया अते फिर दोषी अमत आली बाईपास नेड़े उसनु गंभीर हालत विच सड़क ते छड़ के फरार हो गए। पुलिस ने जानकारी दिती, पुलिस ने दस्या कि कथित घटना सोमवार देर रात नु हुई अते पीड़ित विद्यार्थी नु जीबी पंत अस्पताल विच दाखिल करवाया गया। पुलिस ने दस्या कि उन्होंने मुख्य दोषी गौतम शर्मा नु गिरफ्तार कर लिया अते इस मामले विच पुछगिछ शुरू कर दी गई है। सब डिविजनल पुलिस अधिकारी आशीष दास गुप्ता ने मीडिया नु दस्या कि सोमवार नु पूरा दिन विद्यार्थी नु मुख्य दोषी दे नाल इक गड्डी विच घूमदे वेख्या गया सी। उन्होंने दस्या कि बाद विच रात दे समय विद्यार्थी दे इकल्लेपन दा फायदा चुके दोषियों ने उसकी मर्जी के खिलाफ जबर जनाह किया ते उसनु अमत आली बाईपास नेड़े छड्ड के फरार हो गए। अमृतसर बंब धमाके का गिरफ्तार दोषी अमरीक सिंह गुरदासपुर के पिंड आदियां का रहने वाला है। वह गुजरात में एक ट्रक ड्राइवर है। 27 फरवरी को आखिरी बार घरों गया से जिसका प्रेम विवाह 8 जून 2022 को पिंड पुरोवाल करिया वासी मनदीप कौर नाल होया सी। दोषी ने वड्डे भरा बलविंदर सिंह नूं दोरांगला थाने की पुलिस ने पुछगिछ लई हिरासत में लै लिया। इस दोषी खिलाफ पहला भी कई चोरी के केस दर्ज ने। जानकारी देंदे हुए दोषी के पिता ने कहा कि जेकर दोषी अमरीक सिंह श्री दरबार साहिब हैरीटेज अपनी पत्नी अपने नाल ही लै गया। उसके पिता ने भी कहा कि जेकर वह दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधानसभा हलका गुरदासपुर के पिंड बबरी की पंचायत के समूह 5 पंचायत मैंबर अपने परिवारों के समर्थकों के समेत आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन्हों मैंबरों नूं रस्मी तौर पर पार्टी में शामिल करवाने लई पिंड विच करवाए गए समागम दौरान पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल ने विशेष तौर पर शमूलियत की। सारे मैंबरों का पार्टी में निघा स्वागत करदिया कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई हेठ शुरू होए बदलाव के दौर कारण लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बहल ने दस्या कि पंच सुखवंत राज, पंच कुलविंदर कौर, पंच रमेश कुमार, पंच कश्मीर कौर अते पंच रोजी आम आदमी पार्टी में शामिल होए ने। इस नाल पिंड बबरे विच आम आदमी पार्टी का झंडा होर बुलंद होया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार वालों लोगों नाल किते वादे पूरे करन दे नाल नाल पंजाब दे सर्वपक्षी विकास लई वड्डे उपराले किते जा रहे ने, जदों कि पिछलियां सरकारां दे समें पंजाब दा बहुत वड्डा नुकसान होया। उन्होंने कहा कि लोगों के टैक्सा के पैसे की वड्डे पद्धर से लुट होंदी रही जिसनू आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोकया है। उन्होंने पिंड बबरी के समूह पंचा पिंड वासियों नू भरोसा दिता कि पिंड के विकास लिए कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। समूह पंचा पिंड वासियों ने बहल नू भरोसा दिता कि वह आम आदमी पार्टी का पूरा साथ देण। परिवार दे विच वादा होया, पिछले एक साल तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और सारिया ने पंजाब के लोगों ने और गुरदासपुर के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार के काम नू देखा। लोग पक्षी जिहड़ियां प्रोग्राम ते जिहड़ियां पॉलिसीज आईयां उन्हू देखा और देखने तो बाद उन्होंने मन बनाया कि यह जिहड़ा एक बदलाव पंजाब दे विच आया वो लोक हित लई हैगा और इस करके इस पार्टी नू नाल लैके अगे चलीए ताकि लोगों की सेवा कर सकीए। अज मैनू इस गल की खुशी आ कि साढ़े जिहड़े 5 मैंबर पंचायत ने सुखवंत राज जी, कुलविंदर कौर जी, रमेश जी, कश्मीर कौर जी ते रोजी, ये सारे
अज आम आदमी पार्टी नूं फॉर्मली ज्वाइन कर रहे ने। आईपीएल 2023 दा 56वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स ते राजस्थान रॉयल्स दरमियान कोलकाता दे ईडन गार्डन विच खेडिया गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत के गेंदबाजी करन दा फैसला कीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवरां विच 8 विकटां गवा के 149 दौड़ां बनाईयां ते राजस्थान रॉयल्स नूं जीत लई 150 दौड़ां दा टीचा दित्ता। टीचे दा पिछा करन उतरी राजस्थान रॉयल्स दे सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दियां शानदार 98 दौड़ां ते कप्तान संजू सैमसन दियां 48 दौड़ां दी बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने 13.1 ओवर 151 दौड़ां बना के 9 विकटां नाल मैच अपने नां कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार बल्लेबाजी करदियां आईपीएल दा सब तों तेज अर्ध सैकड़ा बना लिया। ते हुण जांदे हां एक नज़र मारदे हां अज दी वैदर रिपोर्ट ते। फिलहाल पंजाबी खबरां विच नई नवीआं ते ताज़ा खबरां लैके फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई वेखदे रहो चढ़दी कला टाइम टीवी।